नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है स्टॉक टिप्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेकर दोस्तों आपका ज्ञान और प्रॉफिट लेने का मोटिव हम बनाए रखेंगे। दोस्तों मार्केट में हमें बनाना है प्रॉफिट तो जानना होता है सबसे बढ़िया शेयर कौन सा है। दोस्तों सबसे बढ़िया शेयर मिलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें प्रॉफिट बनना हमारा एक तय माना जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात हमें शेयर चुनना है। तो दोस्तों हम चुनने वाले आज शेयर एक स्टील के सेक्टर का। दोस्तों सबसे बड़ी बात स्टील सेक्टर का शेयर दोस्तों उतना उम्दा भी होना चाहिए क्योंकि मार्केट अभी करेक्शन मोड में है। तो दोस्तों हमने चुना है अभी टाटा स्टील। दोस्तों क्या टाटा स्टील हमें सही वैल्यूएशन पे दिख रहा है क्या? जो उसका करंट प्राइस मार्केट है क्या सही वैल्यूएशन पे हमें ट्रेड करते हुए दिख रही है क्या? दोस्तों आने वाले दिनों में क्या इसमें हमें रुझान देखने मिल सकते हैं या फिर और नीचे जा सकता है या फिर और ऊपर जा सकता है, ये जो रुझान हमें समझने हैं। दोस्तों इस शेयर के बारे में पूरे संक्षिप्त में इन्फॉर्मेशन आज जान लेंगे और यहाँ पर जो डिसीजन है बाइंग या फिर सेलिंग है या फिर वेट एंड वॉच का है तो दोस्तों डिपेंड करेगा आपके ऊपर किस तरह आपको इसमें डिसीजन लेना है, मगर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे बहुत सारी बातें आने वाले रुझान के लिए। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन से जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी वीडियो हमारा बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव बनाए रखेगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों हम अभी आए टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट हमें किस तरह से रुझान दिखा रहा है, देखिए दोस्तों ये रहा मार्केट, ये रहा नीचे और ये रहा और नीचे। तो दोस्तों ये स्लिप डाउन साइड मार्केट था जो कि कहीं पे भी सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखा हमें पिछले कुछ दिनों से। तो दोस्तों ये मार्केट के जो रुझान है हमें किस कदर हमें असर कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो पे, अगर ये हमारे अगर शेयर पोर्टफोलियो में होता। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ही अगर शेयर की बात की जाती है तो लगभग दोस्तों इसके 52 वीक हाई से ये शेयर अभी भी 50% डाउन नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों 50% डाउन होने के बाद इसमें ऐसी कौन सी बात है जो शेयर को मजबूत बना रही है? दोस्तों सबसे बड़ी बात है इस शेयर में टेक्निकली बात की जाए तो दोस्तों इसका जो बेस सपोर्ट सबसे बड़ा अगर माना जाएगा तो 200 सपोर्ट बड़ा सपोर्ट है उनका 400 रुपीज़ का। और दोस्तों ऊपरी साइड की बात करें, देखिए दोस्तों मैं 67 रुपीज़ का रिस्क लेने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये मैं अकेला बात नहीं करता, ये पूरी टीम यहाँ पे अपनी खोजबीन करने की बात, अपना रिसर्च करने की बात करती है। दोस्तों इसके डाउन साइड में हमें टारगेट दिख रहे 200 के, और अपनी साइड अगर लॉन्ग टर्म के अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको इसमें आने वाले 5 सालों में 500 का टारगेट दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको लगभग जो टारगेट प्राइस है दोस्तों, जो पहले आपको बाई नहीं करनी है उसको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये शेयर थोड़ा नीचे आएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें जो गिरावट दिख रही थी, जोर जोर से आ रही गिरावट दिख रही थी, वो गिरावट थोड़ा यहाँ पे थमती हुई दिख रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर इसमें यहाँ से गिरावट आती है शेयर में, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ये देखिए करंट वैल्यू से अगर शेयर में गिरावट आती है, ये देखिए यहाँ से अगर गिरावट आती है तो मार्केट लगभग आपको 200 की लेवल तक लेके जा सकता है। मगर दोस्तों इतनी गिरावट अभी इसमें आने की गुंजाइश तो ज़्यादा दिख नहीं रही है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्केट पूरा संभलने की कोशिश कर रहा है खुद को। देखिए फ्राइडे का मार्केट अगर आपने ट्रेड नहीं किया होगा तो उस दिन आपको पता चल जाएगा, अगर आप पास्ट पे डेटा पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरा मार्केट एक नेगेटिव रुझान ट्रेड कर रहा था। मगर दोस्तों यहाँ पे जो टाटा स्टील है अपना जो कैंडल्स है वो ग्रीन देने में लगा पड़ा था, मतलब यहाँ पे दोस्तों उसने क्लोजिंग तो एक नेगेटिव में दिए 1.1% नेगेटिव दिए, मगर दोस्तों यहाँ से उसने अपनी जो कैंडल्स है उसको ग्रीन में कन्वर्ट करने में अपनी जो पोटेंशियल थी उसको लगा के उसने कन्वर्ट कर दिया। मगर दोस्तों यहाँ पे ये शेयर बढ़ेगा क्यों, इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो कि हमें बहुत लुभाता है, और इसके सबसे बड़ी बात जो रेशियोज है दोस्तों बहुत ही अच्छे रेशियो है जिसके कारण इस शेयर में हमें बाइंग की एक मोड दिखती है, यहाँ से बाइंग करने का एक बड़ा रीज़न दिखता है। अगर दोस्तों आप सोच रहे इसमें बाइंग नहीं करने का तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, बाय करने का सोचते हैं तो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। दोस्तों किस कदर आपको इस शेयर को एनालाइज़ कर रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, मगर दोस्तों आपको डिसीजन लेना है यस या नो का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई डिसीजन की, मगर दोस्तों क्या आने वाले दिनों में ये सही में रुझान दिखा सकता है क्या? दोस्तों हम बात करेंगे अब इसके न्यूज़ के बारे में। दोस्तों मैंने आपको टेक्निकल्स पे तो ये चीज़ें बताई है, उसकी ऊपरी साइड है 500 और डाउन साइड है 200 के, मेजर सपोर्ट रहा है 200 का, उसको अगर तोड़ता है तो ये शेयर बहुत नीचे जा सकता है ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट के माध्यम से और हमारे रिसर्च के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है अगर ये शेयर यहाँ से
रिबाउंस कर लेता है, तो दोस्तों आपको इंस्टेंटली यहाँ से आपको 500 रुपीज़ के ये एक साल 5 साल में टारगेट आपको दिख सकते हैं। दोस्तों 5 साल का जो मैंने व्यू दिया है वो लॉन्ग टर्म का व्यू दिया है, और अगर आप चाहते हैं इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बनना तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सी पोजिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप शॉर्ट टर्म में बनना चाहते हैं तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात है टारगेट आपको जो है 280 रुपीज़ से एक सेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये 267 का लेवल इतना पॉजिटिव नहीं है, 280 का लेवल बहुत पॉजिटिव है, वहाँ से शेयर आगे की दौड़ लगा सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना टारगेट एडजस्ट करके लगा रहे हो उसके ऊपर दोस्तों, क्योंकि वहाँ से 280 के लेवल से एक रैली आएगी उसमें, उसके बाद उसको एक आपको एक छोटा सा प्रॉफिट मिल सकता है वहाँ पे। मगर दोस्तों ये शेयर अगर वैसे ही टूटते नीचे चला गया तो दोस्तों आपको वहाँ पे 200 के लेवल्स दिख सकते हैं। दोस्तों लेवल्स को समझा, मैं लेवल्स को पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 280 का लेवल है तो मिड टर्म के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ से उसके आगे बाइंग कीजिए, आपको टारगेट अच्छे से मिल जाएगा जो आप सेट करोगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर, जानेंगे ये शेयर इतना बढ़िया क्यों लग रहा है हमें आने वाले दिनों के लिए। अभी हमने देखा दोस्तों अभी उसका टेक्निकल, तो अभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा फंडामेंटली शेयर कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 267.55 पैसे का इसका जो करंट लेवल है, 2.75 रुपये उसने लॉस किया है और 1.02% उसने दोस्तों परसेंटेज में उसका लॉस दिखाया है। दोस्तों इतना मार्केट हाई वोलेटाइल होने के बावजूद भी ये शेयर अपना एक सस्टेनेबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों सबसे बड़ी बात है उसका हम जानेंगे मार्केट कैपिटल क्या है फिलहाल के दिनों में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैपिटल 30,139.23 करोड़ का है, जो कि दोस्तों एक स्टील कंपनी का बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। और डिविडेंड इल्डेशन की बात करें तो 130% डिविडेंड देता है शेयर। फेस वैल्यू दोस्तों 10 रुपया है, अगर फेस वैल्यू के बेस पे अगर डिविडेंड देता है तो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देता है ऐसा माना जाएगा। दोस्तों बेटा देखिए पॉजिटिव यहाँ पे हमें दिख रहा है, बेटा जो डेटा है हमें पॉजिटिव दिख रहा है 1.17, जो कि बहुत ही बढ़िया है, मुझे एक अच्छा रुझान इसमें आने की गुंजाइश दिख रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी अभी हम जानेंगे। देखिए दोस्तों EPS की बात करेंगे, 85.86 पैसे का इनका EPS है और PE देखिए दोस्तों 3.12 पैसे का। तो दोस्तों यहाँ पे EPS में बहुत अंतर है और PE में बहुत अंतर दिख रहा है। EPS और PE बहुत बड़ा एक डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, लगभग उनकी इनकम अगर एक शेयर के पीछे देखा जाए तो लगभग उनकी इनकम यहाँ पे 82 रुपीज़ की हमें यहाँ पे दिख रही है पर शेयर। दोस्तों बहुत ही बढ़िया रुझान हमें यहाँ पे दिख रहा है इस शेयर में EPS के माध्यम से दोस्तों, और उसकी बुक वैल्यू देखिए दोस्तों 25 रुपये की बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही उम्दा है, मगर दोस्तों बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है शेयर, तो शायद यहाँ से आगे बढ़ने की इसमें गुंजाइश ज़्यादा बनती है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं उसके न्यूज़ की, तो न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है इस शेयर के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम अभी आए न्यूज़ में, न्यूज़ देखिए क्या कह रही है। टाटा स्टील ऑन फ्राइडे सेड द बोर्ड हैज़ अप्रूव प्रपोजल टू रेज अप टू 5,000 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। द फंड विल बी प्राइमरी डिप्लॉयड टुवर्ड्स प्रीपेमेंट ऑफ अ डेट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। देखिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ उनकी एक कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए एक तैयारी है, वो माध्यम रहेगा उनका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के माध्यम से वो पैसा आएगा 5,000 करोड़, और दोस्तों वो सबसे पहले काम किया जाएगा प्राइमरी डिप्लॉयड टुवर्ड्स जो उनके रिपेमेंट्स करने के डेट उसके लिए यूज़ किया जाएगा वो पैसा। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे रिव्यू फाइनेंशियलिंग प्लान ऑफ द कंपनी एंड बेस्ड ऑन द रिव्यू अप्रूव इशू ऑफ एडिशनल डेट सिक्योरिटी अप टू 5,000 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ NCD प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन वन और मोर ट्रेंचेस टाटा स्टील लिमिटेड सेड ऑन BSE फाइलिंग। दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन हो चुका है कि अभी टाटा स्टील ने अपना जो डिसीजन है ले लिया है, 5,000 करोड़ जो है वो अप्रूव कर लिया है। कैसे करना है उनको अप्रूव किया दोस्तों, उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर दे के वो पैसा कमाना है, लाना है मार्केट में, उससे उनके रिपेमेंट करने हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभी रिपेमेंट होगा तो मतलब इसमें और तेज़ी बढ़ेगी यहाँ से, तो डेफिनेट दोस्तों आने वाले दिनों में इसमें हमें 280 के टारगेट दिखने मिल सकते हैं। दोस्तों मैं ज़्यादा टारगेट नहीं दे रहा, ये मेरे 1 या 2 दिन के टारगेट है दोस्तों 280 के। अगर कोई शॉर्ट टर्म में जाना चाहता है तो प्लस 280 के अगर शेयर रहेगा तो उसमें बाइंग कर सकते हैं और अपने ऊपरी टारगेट आप सेट करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।